करें, एबीसी का मतलब आप समझ दे, एबीसी का एक वीडियो हम अलग करके पोस्ट करेंगे कि एबीसी कई प्रकार से करना पड़ता है। तो एबीसी आप करें और अच्छा डाइट भी करें, जाकर आप चना का। साथियों गुड मॉर्निंग, महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों SSCED में BSF में रनिंग करने के लिए 5 टिप्स को डेली फ्लो रखना। आज के दिन ये शुभ दिन है, तो इसलिए आपको फ्लो करने के लिए बहुत सारे अच्छा टिप्स बताऊंगा। तो ITVP का पहले वीडियो था, ITVP में बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया, वीडियो का अच्छा लगा। और इस वीडियो में है हमारे BSF में। तो BSF में पहले जाने के लिए आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हर वक्त आपको बॉर्डर में ही रहने का मौका मिलेगा। तो बॉर्डर में रहने के लिए आपको बॉडी बैलेंसिंग, जिगजैग बैलेंसिंग, फिटनेस बैलेंसिंग सभी को रेडी करके ही जाना पड़ता है। तो साथियों इधर गंजी को छोड़ देता हूँ। तो बॉडी बैलेंसिंग करने के लिए आप डेली पुलअप करें, सुबह उठकर डेली रनिंग थोड़ा करें। रनिंग करने के बाद ये पुलअप जो देख रहे हैं, पुलअप को डेली 10 रैप्स, 12 रैप्स, 20 रैप्स आप जितने करें आपकी उतना ही बॉडी का बैलेंसिंग फायदा मिलेगा। तो ये जिगजैग बैलेंसिंग भी करें, ईट जो है ईट को सारी सारी नमाकर हमारे जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो आप दौड़कर जिगजैग बैलेंस के में जाइए और आइए, ये भी आपका फायदा है ABC को ज़्यादा। तो साथियों BSF में जाने के लिए SSCET 2023 ये टिप्स को फॉलो करना आपको 100% गारंटी है। अगर आप BSF में जाना चाहते हैं और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको थैंक यू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे फिजिकल टेस्ट में 5 किलोमीटर रनिंग आपको ज़्यादा करवा जाएगा। 5 किलोमीटर रनिंग आप कर देंगे तो आपका फिजिकल रनिंग भी पास हो चुका और आपका फिजिकल का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका, तो आप फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपने आप को ध्यान में रखें कि मेडिकल में मेरा कैसा अच्छा हेल्थ रहे। मेडिकल में अगर बुखार बीमार या लेग की प्रॉब्लम या दांतों का प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, कुछ आई के प्रॉब्लम आ गया तो आपका मेडिकल में फेल हो सकता है, तो इसमें भी ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। चना को भिगाओ और उसका पानी पियो और किशमिश उसके साथ डाल दो, तो दोनों का जो मिक्स कंटेंट हो जाएगा उसका पानी पियो। तो साथियों इसके इसमें हमारा बहुत ही शरीर में ताकत आ जाता है। नेक्स्ट टिप्स है डेली आप अच्छा डाइट करना, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सारे लड़कों का हो चुका है, अभी भी चल रहा। तो आज कितने तारीख हुआ? हाँ, करीब कंप्लीट हो गया, 14 तारीख में SSCED का एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो साथियों इस बार रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल में डाका जाएगा, बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में 2 महीने टाइम है, तो अभी से आप अपने आप को बैलेंसिंग, फिटनेसिंग और बुखार से भी दूर रहें, बीमार कोई ना आए, इसे शरीर में ध्यान रखें और अच्छा डाइट करें, अच्छा रनिंग करें, अच्छा एक्सरसाइज करें, फिटनेस में ही रहिए। साथियों यही BSF का अच्छा टिप्स है। BSF में हो या CISF में है, ये कोई मैटर नहीं है कि आप कौन डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं। आप ITVP में जाइए, कुछ दोस्तों असम राइफल में भी जाइए, तो ये हमारे असल मैटर है, हमारे फिटनेस को कैसे हम ध्यान करके हमारा फिजिकल में पास कर सकें। फिर मेडिकल का टिप्स है, मेडिकल का टिप्स है हमारा लिंक पर है, आप जाकर देख सकते हैं। तो BSF में पहले आपको 5 किलोमीटर रनिंग कर